नमस्कार, मैं पल्लवी और आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। असहयोग आंदोलन समाप्त करने पर आज के दिन बनी थी सहमति। 4 फरवरी को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके विरोध में किसानों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से स्तब्ध गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी को सहमत किया था। इससे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। नाना फडणवीस का आज के दिन सतारा में हुआ था जन्म। प्रभावशाली मराठा मंत्री नाना फडणवीस का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में 12 फरवरी 1742 को हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय वह पेशवा की सेवा में नियुक्त हुए थे। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के तहत एकत्र करने का प्रयास किया था। नाना फडणवीस ने नारायण राव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र माधव राव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया था और रघुनाथ राव की पेशवा बनने की कोशिश नाकाम कर दी थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का आज के दिन हुआ था जन्म। आधुनिक भारत के महान चिंतक समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यवर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो उनका प्रमुख नारा था। स्वामी दयानंद ने वेदों का भाष्य किया और इसलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। वायसराय रहे लॉर्ड डफरिन का आज के दिन हुआ था निधन। भारत के वायसराय रहे लॉर्ड डफरिन का निधन 12 फरवरी 1902 को हुआ था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक वायसराय रहे। डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। उस समय डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। डफरिन के शासनकाल में ही तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बना था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 12 फरवरी दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी, यात्रा के योग है। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग है। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेद रंग लाल सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्या को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेद रंग गुलाबी बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग है। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्र को सफलता मिलने के प्रबल योग है। आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग है। शुभ रंग हर प्रकार का सफेद तथा निषेद रंग काला स्लेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग है। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु ये सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल।
कन्या आपके सुख ऐश्वर्य के भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्ति होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग है। शुभ रंग हरा सफेद तथा निषेध रंग पीला लाल। तुला आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कला खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला लाल। वृश्चिक आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है। समय अनुकूल चल रहा है। निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। व्यवसायियों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़े। बजट पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग है। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है। भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। मीन आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।